पार्टी में 64 नेताओं ने बड़ा धमाका किया है, जिससे हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो भारत विरोधी है, जो पाकिस्तान परस्त हैं, उनके पर खच्चे उड़ गए हैं। और पाकिस्तान के जो पीओके की पाकिस्तान बार बार बात करता था, वो पीओके घाटी से कैसे अब एक साथ आएगा, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि 64 नेताओं का यह धमाका अमित शाह मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और ये जो खेल खेला है, ये यूं ही नहीं, इतना आसान नहीं है। घाटी के 64 नेताओं का यह धमाका, कांग्रेस तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन इसमें कांग्रेस डायरेक्टली बर्बाद हुई। लेकिन इनडायरेक्टली आपको बता दें, जो राजनीतिक दल वहां पर 70 सालों से 370 का रोटी खा रहे थे, उनकी बर्बादी पूर्ण रूप से लिख दी गई। जो गुपकार गैंग था, जो गुपकार अलायंस के नाम से बाद में आया था, हालांकि आजाद के इस्तीफे से पहले ही गुपकार अलायंस जो था, गुपकार गैंग जो था, वो बिखर गया। और अब्दुल्ला ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो गुपकार गैंग से अलग जा रहे हैं और अलग चुनाव लगेंगे। लेकिन इन सबके बीच में ये 64 नेताओं का धमाका क्या है, जिसकी गूंज घाटी के अलावा पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान के हाल जो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि भारत ने वो अब जो 370 खत्म करके किया था, अब आगे पीओके की बारी है। दिखाते आपको वीडियो में, अनुरोध करेंगे इस धमाकों की गूंज कितनी बड़ी है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि ये धमाका सो कितनों की फटी है वो आप समझ सकते हैं। कईयों की तो जिंदगियां बर्बाद हो गई, और कईयों की जो 7 पुश्तें बैठकर खा रही थी, वो पुश्तें अब 2 वक्त के निवाला भी अपने कहीं ना कहीं के लिए मुश्किल होगा। आपको बता दें, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका है, ये झटका गुलाम नबी आजाद के द्वारा है, इस्तीफों पर इस्तीफे हैं। अभी बता दें आपको खबर, अमित शाह और मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, कैसे है आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने मंगलवार को आज एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा जैसे बड़े नेता हैं जो कि इस्तीफा दिया है यहाँ पर उन लोगों ने कांग्रेस से। आप सोच रहे होंगे कांग्रेस से अगर कोई इस्तीफा दिया हो तो जाएगा जाएगा कहाँ, ये सभी नेता आपको बता दें आजाद की नेतृत्व में रविवार को नई पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिसमें कांग्रेस के जिन 64 नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनमें सबसे नाम जो है डिप्टी सीएम ताराचंद शर्मा, पूर्व वित्त मंत्री माजिद वानी, घारू चौधरी, मनोहर लाल शर्मा, पूर्व विधायक बलवान सिंह, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सचिव नरिंदर शर्मा, महासचिव गौरव जो है मगोत्रा शामिल हैं। अन्य पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हैं। 64 इस्तीफे यूं ही नहीं होते, आपको बता दें गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी ने इन सभी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने कहा है कि हम खुश हैं कि आजाद ने अपनी पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस आला कमान ने एक बार फिर से हमसे मिलने की जहमत नहीं उठाई, हम अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते थे लेकिन किसी ने हमारी सुनने की इच्छा नहीं जाहिर की। अन्य पार्टी के नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया, वो भी हमारे आजाद की पार्टी में शामिल होंगे, यहाँ तक कि सत्ताधारी बीजेपी के कई नेता हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं। आपको बता दें बीजेपी का जो बड़ा खेल है, अमित शाह का जो बड़ा खेल है, यहाँ पर एक लाइन जो कही है पूर्व सीएम ने, उन्होंने कहा है बीजेपी के कई नेता हमारे साथ आना चाहते हैं। याद करिए उत्तर प्रदेश का वो चुनाव, अब आप कहेंगे हमें क्या उत्तर प्रदेश को जा रहे हैं, बहुत ही बारीक इसका तुरंत आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर पूर्व तारा सिंह कह रहे हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम है कांग्रेस के, जो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले भी हमारे आना चाह रहे हैं, इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले जो चुनाव थे इस बार हुए हैं लोक विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसमें याद करिएगा कुछ चेहरे ऐसे थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्या हो, चाहे वो ओपी राजभर हो, बहुत बड़े चेहरे हैं। ओपी राजभर का उदाहरण ले लेते हैं, ओपी राजभर तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थे, लेकिन बैटिंग किसके लिए कर रहे थे और बॉलिंग किसके लिए कर रहे थे, और आखिरकार जब परिणाम आता है वो किसके पक्ष में आता है, वो साफ तौर पर चल रहा था कि खेमे में तो किसी और के थे लेकिन बैटिंग किसी और के लिए कर रहे थे। और यही कुछ कश्मीर में भी हो रहा है, जी हाँ साहब, यही सब कुछ
कश्मीर में हो रहा है। आपको जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। पहेली है, लेकिन पहेली का सच्चाई समझिएगा। एक खेल बड़ा है, क्योंकि खेल अब की बार एक बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक राजनीतिक खेल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक खेल नहीं है, यहाँ पर एक ऐसा फैसला है जो कि कहीं ना कहीं ये फैसला घाटी का देश का भूगोल बदल देगा। जी हाँ, हमारा नक्शा जो कि पीओके अभी हमसे अलग है, वो नक्शा बदल देगा देश का। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, कहावत नहीं, नक्शा बदल देगा, सच्चाई है। क्योंकि पीओके भारत का होगा और वो जम्मू कश्मीर से ही होकर आता है वो रास्ता। आपको बता दें, इन सबके बीच जो आले जो बड़े नाम है उसमें ताराचंद पूर्व डिप्टी सीएम, माजिद वानी पूर्व मंत्री, बलवान सिंह जम्मू का कश्मीर कांग्रेस के महासचिव, गारू चौधरी पूर्व मंत्री, मनोहर लाल शर्मा पूर्व मंत्री, गुलाम हैदर मलिक ये भी हैं, विनोद शर्मा, विनोद मिश्रा, नरेंद्र शर्मा, मसूर, परविंदर सिंह, आराधना अंद्रोथ, संतोष महनास, संतोष मनोजा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम पढ़ना आपके सामने लिस्ट दिखाना, 64 ऐसे नाम हैं जिनकी इस्तीफे दिए हैं। आपको बता दें, इन सबके बीच में आज़ाद ने, गुलाम नबी आज़ाद ने, गुलाम जो आज़ाद होकर के अब नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। लंबे समय से वक्त से चल रहे गुलाम नबी आज़ाद जो गुस्सा, आज उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस नाराज नेता जो G23 के हैं वो भी इसमें शामिल थे। G23 के कांग्रेस के लगातार कई बदलाव की मांग कर रहे थे, लेकिन आज़ाद के ने कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद ऐलान किया था कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर में नई पार्टी गठन करने और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब आपको बता दें गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, जो गुलाम नबी आज़ाद कैसे रहे हैं, आपको बता दें गुलाम नबी आज़ाद के रिश्ते जो हैं वो शुरू से तल्ख रहे हैं कांग्रेस के गांधी परिवार से। मतलब गांधी परिवार की बात करें तो राजीव गांधी से, इनका सबसे अच्छा बात करें तो संजय गांधी से इनके अच्छे रिश्ते होते थे। लेकिन संजय गांधी के मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी को बागडोर देने दी जाने लगी, उसी समय भी ये गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी खपा वहाँ पर जा रहे थे। तो गुलाम नबी आज़ाद पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का जन्म जो है वो 7 मार्च 1949 को हुआ था, डोडा कश्मीर के डोडा जिले में हुआ था। और उन्होंने कश्मीर की यूनिवर्सिटी से MSc पास किया था। और वे 1970 में दशक में कांग्रेस से जुड़े, 1975 में कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1980 में उन्होंने यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वे पहली बार 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्हें 1982 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 1984 में भी इसी सीट से वो जीते थे। आज़ाद 1990 से लेकर 1996 तक महाराष्ट्र के राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। वे नरसिंहा राव सरकार में मंत्री भी थे और 1996 से लेकर 2006 तक जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के पहुंचे थे वहां पर। इस बीच में 2005 में जम्मू कश्मीर में CM भी बने थे। और 2008 में PDP ने अपना समर्थन वापस लिया था, कांग्रेस ने कांग्रेस समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद वो आज़ाद की सरकार वहाँ पर, गुलाम नबी आज़ाद की सरकार वहाँ गिर गई थी। आज़ाद के मनमोहन सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। 2014 में आज़ाद को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। 2015 में आज़ाद को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा भेजा गया था। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि आखिरकार कांग्रेस में तो रहे और अलग अलग पदों पर रहे, 51 साल तक ये पद पर रहे, 51 साल तक कांग्रेस में रहे। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं, कांग्रेस ने इनको एकदम ही अलग से ना रखा, क्योंकि राज्यसभा सदस्य से लेकर के मुख्यमंत्री जो कश्मीर का था वहाँ बनाया, कई बार अलग अलग मंत्री तक बनाया इनको अपने उसमें, तो कई चीज़ों जगहों पर कई चीज़ें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये 64 नेताओं का इस्तीफा घाटी के भूगोल को साफ तौर पर बदल देगा। और ये गुलाम नबी आज़ाद और मोदी की केमिस्ट्री है जो वाकई में घाटी की भूगोल बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।